नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय जोशी और आपका स्वागत है विजय जोशी मकराना यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मकराना की जो चक डुंगरी मार्बल आता है उसकी मीडियम प्राइस रेंज के 7 स्लैब आपको दिखाऊंगा, जो कि 200 रुपये स्क्वायर फिट की रेंज में है। और इससे आप देख पाएंगे कि मकराना का जो मीडियम रेंज का चक डुंगरी मार्बल आता है वो किस तरह से आता है और कितने कितने साइज़ के लॉट होते हैं और आफ्टर पॉलिश ये किस तरह से दिखता है और क्या आप इसे घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप जो स्लैब मेरे पीछे देख पा रहे हैं, नंबर वन, ये ग्रे और ब्राउन शेड के अंदर है। और बात करें इसकी हाइट और लेंथ की, तो पहले ही स्लैब है ये फर्स्ट, ये 4 फीट इसकी लंबाई है और मकराना मेजरमेंट में हम इसको सेल करते हैं 4 बाई 3.5, 62 पीस है। स्क्वायर फीट आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 4 बाई 3.5 के 62 पीस, करीब करीब 90% इसका मेजरमेंट बैठता है। और 10% मैं आपको बता दूं, हर मार्बल स्लैब में छोटे पीस आते ही आते हैं, जो कि जिनका मेजरमेंट 1 बाई 1 पीस होगा। और ये नंबर टू जो स्लैब है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये नंबर टू स्लैब है, बहुत ही बड़ी स्लैब है ये मकराना के हिसाब से। वैसे तो बड़ी स्लैब होती होगी इससे भी, बट मकराना के अंदर माइन से अंडरग्राउंड है तो ज़्यादा बड़ी साइज़ आती नहीं है। और बात करें पर्टिकुलर इस स्लैब की साइज़ की, तो ये है 6.5 और हाइट है इसकी 3.5, 6.5 के 81 पीस और -10% करने से इसका स्क्वायर फीट आ जाएगा अप्रोक्स। अब नंबर तीन स्लैब की पर चलते हैं, तो 3.5 बाई 3 के 81 पीस है, तो लगभग 10 फीट का पीस हो गया यार, 800 फीट के करीब इसकी क्वांटिटी है। 800 में से 10% लेस करेंगे, 720 स्क्वायर फीट के करीब इसमें माल बैठेगा। और वाइटनेस बहुत शानदार है, क्रिस्टल बहुत ही स्मूथ और बारीक क्रिस्टल होता है मकराना चक डुंगरी का। अब नंबर चार स्लैब को देखते हैं, आफ्टर पॉलिश देखिए इस तरह से इसकी लाइनिंग क्लियर होगी। और ये जो आप स्लैब देख पा रहे हैं इसके अंदर क्रॉस लाइनिंग में हल्की सी, तो क्रॉस लाइनिंग होने से इसमें डायमंड शेप में डिजाइन भी बनेगी। 4.5 इसकी है लेंथ, 2.25 फीट है इसकी हाइट, 69 टोटल पीस है। और मैं ये चाहूँगा ये छोटे पीस ज़रूर दिखाए ताकि कस्टमर के साथ किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं रहे, ये आते ही आते हैं। अगर ओरिजिनल मकराना मार्बल है तो छोटे पीस पीछे ज़रूर आएंगे। तो इस तरह ये लॉट है। और स्लैब और कट पीस में यही फ़र्क होता है, स्लैब में आप देखेंगे रेशे है ना, पूरे पीछे तक आएंगे, एज इट इज़ लाइनिंग बनेगी। और कट पीस इसीलिए सस्ते होते हैं क्योंकि वो बहुत सारे क्रैक ब्लॉक में रिकवरी करने के लिए बनाए गए होते हैं मजबूरी में, और जो अच्छी स्लैब अच्छे ब्लॉक होते हैं उनकी स्लैब बनती है। तो ये चार स्लैब आपने देख ली, अब नंबर पाँच स्लैब की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए स्ट्रेट लाइनिंग के अंदर ब्लैक लाइनिंग और ग्रे का कॉम्बिनेशन है। बात करें इसकी हाइट और लेंथ की, तो 2.25 फीट इसकी हाइट है, 2.25 बाई 6 के 93। तो स्क्वायर फीट मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे व्यूवर कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2.25 के 93 करके आप देखेंगे साइड से पूरी इसकी स्थिति के ऊपर रेट होती है। जैसे आप साइड से देखेंगे तो पूरी स्क्वायर है और स्मॉल पीसेस बहुत कम है। ये स्लैब खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर पीछे बहुत ज़्यादा टेढ़ी है, वी शेप के अंदर है, तो वो आपको फिटिंग में प्रॉब्लम करेगी और डिज़ाइन वगैरह बनाने में उसमें प्रॉब्लम आती है। ये पूरी स्क्वायर ऑलमोस्ट 80-90% तो होनी चाहिए। अब नंबर छः स्लैब की ओर बढ़ते हैं, ये देखिए आफ्टर पॉलिश ये कुछ इस तरह लगेगी। इसके अंदर लाइन ब्लैक लाइन इनबिल्ट है, जो अभी ग्रेनाइट की डिज़ाइन चल रही है पिछले कुछ सालों से, कई कई स्लैब में वो अंदर ही आ जाती है कुदरती, तो ये बहुत बढ़िया लगती है। ये 4.5 और हाइट है इसकी 2.25, 2.5 के 95 पीस। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि क्वांटिटी करीब कितनी रहेगी। और फिर लास्ट स्लैब है जो 7 नंबर, ये 7 नंबर स्लैब आ गई, ये देखिए स्ट्रेट लाइनिंग के अंदर है ये। और स्ट्रेट लाइनिंग का सबसे बेस्ट जो यूज होता है वो स्टेयर केस में बढ़िया लगती है। इसका जैसे 12-12 इंच के कट के स्टेप राइजर बनते हैं,
तो इस तरह से डिजाइन बनती है जैसे कोई ऊपर से झरना आ रहा है। बात करें इसकी हाइट लेंथ की, तो ये है 5.5 बाई 2.5 के 56 पीस है। और इस तरह से ये सातों स्लैब में आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ। लगने के बाद ये एकदम ग्लास के जैसे हो जाता है, चकडुंगरी मार्बल। और बरसों बरस जब तक आपका मकान रहेगा, आपकी बिल्डिंग रहेगी, फ्लोर में कोई ट्रीटमेंट, कोई केमिकल, एफॉक्सी कुछ भी करवाने की आवश्यकता नहीं रहती। वन टाइम अगर ये लग गया तो परमानेंट फ्लोर चमकता रहेगा। जबकि दूसरे जो मार्बल आते हैं, एक्चुअल में वो मार्बल होते ही नहीं, वो स्टोन होता है। स्टोन को मार्बल के नाम पे सेल करते हैं, क्योंकि जिस मार्बल में कैल्शियम 98% से कम है वो मार्बल की कैटेगरी में आता नहीं है। अब मैं आपको इसकी फ्लोरिंग बना के भी दिखाऊंगा कि एक एक पीस नीचे करने के बाद ये किस तरह की इसमें लुकिंग आती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आफ्टर पॉलिश ये किस तरह का लुक देगा। और इनके दो दो पीस हमने नीचे कर दिए, जिससे आपको और बढ़िया तरीके से आइडिया लग पाएगा कि लगने के बाद ये किस तरह लगेगा। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर धूप के अंदर बहुत अच्छी वाइटनेस दिखाई दे रही है, ग्रे और वाइट के कॉम्बिनेशन में। और इसकी मकराना की एक ही खासियत है कि ये लॉट अगर बड़े आएंगे ना क्वांटिटी में, आपने जैसे देखे होंगे ये सारे स्लैब है ना 800 से 1000 स्क्वायर फीट के करीब की क्वांटिटी है, इसलिए इनकी प्राइस ज़्यादा है। अगर इसी को अपन 400-500 फीट में लेंगे, उससे छोटे रूम वाइज अगर लेते हैं, 300 फीट का रूम है, 300 फीट की स्लैब ली, तो इन्हीं कलर की प्राइस आ जाती है 150-125 रुपये। इस तरह इसकी कम बजट में भी आप लगाने की प्लानिंग कर सकते हैं। ये बड़े स्लैब उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनकी लॉबी 800 से 1000 स्क्वायर फीट की है, और उन्हें एक ही जगह पर उसी स्लैब को, बड़ी स्लैब को लगाना है, एक ही डिज़ाइन। उन लोगों को ये पैसे खर्च करने आवश्यक हो जाते हैं। अगर आपके लॉबी छोटी है तो आप छोटे भी ले सकते हैं, और किचन बेडरूम उस हिसाब से, अलग अलग एरिया के हिसाब से भी आप इसे चूज कर सकते हैं। और किस तरह मैं आपको दिखाता हूँ एक बार तो, और ये देखिए इसके अंदर लाइनिंग बन रही है। और ये स्टेयर केस के अंदर बहुत ही शानदार इसका यूज हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइनिंग के अंदर है। और नेक्स्ट जो स्लैब आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर ब्लैक लाइन इनबिल्ट है, और लगने के बाद ग्रेनाइट बॉर्डर वगैरह की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो स्लैब आप देख पा रहे हैं, इसमें भी सेम वही है, नेचुरल पेंसिल ब्लैक लाइन अंदर दी हुई है, और बड़ी स्लैब है ये। इसके बाद नेक्स्ट जो आप ये देख पा रहे हैं, ये देखिए ये भी स्ट्रेट रेशे के अंदर, और हल्का सा इसमें रेशा तिरछा गया हुआ है, तो इसमें जब क्रॉस लाइनिंग में लगेगी तो एक बहुत ही शानदार इसमें डायमंड शेप भी बनेगा। और ये जो स्लैब आप देख पा रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइनिंग के अंदर है। और स्ट्रेट लाइनिंग को हमेशा इस तरह से लगाइए कि जब आप रूम में एंटर करते हैं तो स्ट्रेट लाइनिंग गेट की तरफ रहनी चाहिए, जिससे इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। और ये भी एक बड़ी लॉट है, ग्रे ब्राउन और वाइट के कॉम्बिनेशन में। आफ्टर पॉलिश देखिए किस तरह ये लगेगा, एकदम कांच के जैसे हो जाएगा, मक्खन मार्बल है ये। दोस्तों ये एक अफवाह ही है कि मकराना मार्बल हमेशा महंगा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बजट के साथ प्लानिंग करें तो इसे कम बजट में, अफोर्डेबल प्राइस में भी लगा सकते हैं। आप हमें अपने स्क्वायर फीट प्राइस रेंज बताइए, हम आपको उसमें 3-4 बेस्ट ऑप्शन बना के देंगे कि कौन से एरिया में आप कट पीस लगा सकते हैं, कहाँ आपको स्लैब की रिक्वायरमेंट है, और ग्रेनाइट कितना लगेगा। उसके बाद आप अपने पूरे घर में कम बजट में भी मकराना मार्बल प्लान कर सकते हैं, और निश्चित तौर पे हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और यह मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि कई कस्टमर सोचते हैं कि मकराना में रेलवे स्टेशन नहीं है, तो यहाँ रेलवे स्टेशन है, रहने के लिए होटल्स अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ बहुत सारी है, मार्बल शॉप की तो खैर कोई गिनती नहीं है, 8 से 10 हज़ार मार्बल शॉप है, माइन से भी 700 से ज़्यादा एक्टिव है। तो निश्चित होकर आप आइए, कोई यहाँ हॉलीडे नहीं होता, कभी भी आइए, कोई छुट्टी नहीं है, आपकी जब सुविधा हो आप आ सकते हैं और अपने घर के लिए मकराना मार्बल खरीद सकते हैं। और मैं आपको ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, उनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करेंगे, उसके बाद आप लाइव वीडियो कॉल पे सारा मार्बल देख सकते हैं, चूज कर सकते हैं उनमें से, और ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे उसके बाद प्रोसेस चालू हो जाएगा यहाँ से लोडिंग होने का, वो भी डायरेक्ट आपको वीडियो कॉल पर पूरा एक एक पीस मेजरमेंट करके दिखाया जाएगा, और 100% आपको संतुष्टि मिलेगी घर पहुँचने के बाद। और इस तरह कई कस्टमर मंगाते हैं जिनकी क्वांटिटी कम है और डिस्टेंस उनके सिटी का ज़्यादा है, हर आदमी आ नहीं सकता राजस्थान मकराना, बट मार्बल आपके वहाँ ज़रूर पहुँच सकता है। तो निश्चित तौर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम मार्बल आपके घर बैठे पहुँचाएँगे।
अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर किसी के यूज़फुल हो सकता है तो वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।